हेलो फ्रेंड्स, ये है माय टीवीएस की तरफ से आने वाला वैक्यूम क्लीनर टायर इन्फ्लेटर। इसके अंदर बॉक्स के अंदर हमें एक टायर इन्फ्लेटर मिलता है और वैक्यूम क्लीनर उसी में अटैच्ड होता है। और इसमें हमें एक पाइप मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा खासा लेंथ में है। यह है वारंटी कार्ड माई टी वी एस की तरफ से आने वाला। ये कुछ पेपर्स हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये है इसका एयर पंप का पाइप है, ये है कुछ छोटे छोटे टिप्स जिससे फुटबॉल वगैरह में भर सकते हैं, ये है पतला वाला वैक्यूम पाइप और ये हमारा मेन वैक्यूम क्लीनर और इसी में हमारा पंप भी है जो कि मतलब टायर में हवा भरने के काम में आता है। ये है ब्रश इसमें मिला है हमें जिससे कि हम लोग कार का मैट वगैरह साफ कर सकते हैं। और ये रहा हमारा मेन वैक्यूम क्लीनर जो कि कार के डीसी सॉकेट में कनेक्ट होके चलता है। इसमें हमें पंप के लिए गेज भी दिया गया है। और इस बटन को दबाने से हमारा फ्रंट का नोजल बाहर आ जाता है जिसमें कि हमारा ड्राई फिल्टर लगा हुआ है। ये हमारा ड्राई फिल्टर है। ये बैक साइड में हवा भरने के लिए नोजल दिया गया है और ये है स्विच जिससे हम लोग हवा भर सकते हैं और वैक्यूम कर सकते हैं। ये फ्रंट में फ्लैश लाइट दिया गया है अंधेरा में काम करने के लिए। और इसका टेस्टिंग करके हम लोग देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। हमने इसमें पतला वाला नोजल लगाया है जो कि कोने कोने से वैक्यूम करेगा और वैक्यूम काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने वैक्यूम मोड पर डाला है और इसमें ब्रश वाला फिटिंग लगा के और वैक्यूम कर रहे हैं। इसमें ब्रश वाले फिटिंग से हम लोग मैट वगैरह अच्छे से साफ़ कर सकते हैं रगड़ रगड़ के। काफ़ी अच्छा साफ हो रहा है। मैट काफी गंदा है। इस वैक्यूम क्लीनर से हम कार के कोने कोने में साफ कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर में साउंड भी ज़्यादा नहीं है, साउंड बहुत कम है इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, subscribe and comment to my channel and don't forget to share this video.